हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो यहाँ पर एक नई न्यूज़ आई है trc.mp ऑनलाइन पोर्टल पर। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की साइट से एक नोटिफिकेशन है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जो आपको यहाँ पर जिले का चयन करना था उनका लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या न्यूज़ है और आगे आपको क्या प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, आप सभी का नेम यहाँ पर लिस्ट में आ चुका होगा जिन्होंने भी अपने जिलों का चयन किया था अपनी प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के अंतर्गत शाला विकल्प चयन के संबंध में सूचना। दैट मीन्स कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 26/11/2022 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्हता प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवर्गवार मेरिट क्रम में जिलावार MP ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित जिलेवार प्राथमिक चयन सूची में नाम है, उन्हें अभ्यर्थी उन्हें आवंटित जिले में प्रदर्शित शालाओं के विकल्प का चयन इस साइट पर दिनांक 21/24 तक कर सकेंगे। दैट मीन्स आपको अपने जिले यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, एक बार हम लोग पूरा देख लेंगे कैसे आपको इसको चेक करना है। अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित जिले के विज्ञप्ति समझ शालाओं को प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा। जो भी जिला आपको मिला है उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी बेसिस पर आपको अपने स्कूल्स जो है, अभी आपने क्या करा था, जिलों का चयन करा था, अब जो जिला आपको अलॉट हुआ है उसमें अब आपको स्कूल सिलेक्ट करना होंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का है, अतः उन्हें आवंटित जिला किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स आपने अगर कोई एक्स जिला सिलेक्ट किया था और आपको वाई जिला मिला है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि उस जिले में उपस्थित जितनी भी शालाएं हैं जहां पर आपको अलॉट हुआ है उसको आप अरेंज कर सकते हैं कि मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी पर ये वाला स्कूल चाहिए, फिर ये चाहिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन अब आप जिला चेंज नहीं कर पाएंगे। निर्धारित समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित को शालाएँ आवंटित न हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, शाला का चयन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इस पोर्टल के अकॉर्डिंग जो भी प्राथमिकता के आधार पर जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध होगी उसी में आपको अपनी उपस्थिति देनी होगी। यह आवंटन विभागवार, नियोक्तावार, प्रवर्गवार, रोस्टर के आधार पर होगा। चॉइस फिलिंग के आधार पर पद स्थापना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, अतः अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकता कि उसको विकल्प के अनुसार ही पद स्थापना दी जाए। दैट मीन्स आप जिस स्कूल में चाहते हैं जरूरी नहीं कि आप उसी में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दें, जैसा यहाँ पर विभाग चाहता है वैसे आपको वो स्कूल अलॉट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों को सभी शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा। दैट मीन्स एक जिले के अंदर अगर 25 स्कूल्स भी हैं तो 25 को ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसा आपने जिले के अंदर किया था, अन्यथा उनके विकल्प लॉक नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे इसके आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए इस पोर्टल को नियमित रूप से विजिट करते रहें। अब आपको चेक कैसे करना है एक बार से हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये हम लोग आ चुके हैं TRC पोर्टल पर। TRC पोर्टल पर जैसे ही आए हमको तीन ऑप्शन दिखे, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्राथमिक पर क्लिक किया। जैसे ही हमने प्राथमिक पर क्लिक किया इतने सारे नोटिफिकेशन आपके कंटिन्यूस आए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे लास्ट वाला जो है इसको सिलेक्ट करना है। देखो, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है ना, बहुत सारी बार हो सकता है कि आपको नया वाला नहीं दिखाई दे, तो आप उसको रिफ्रेश करते रहिएगा, आपको लास्ट में पूरा अपडेट दिख जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, अभी मेरे इसमें ये अपडेट नहीं हो पा रहा है, अभी थोड़े समय पहले यहाँ पर एक लिस्ट दिखा रहा था है ना, जिलेवार चयन सूची करके और उसके बाद न्यू लिखा हुआ है। तो अगर आपके इसमें दिखा रहा है तो आप उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जिले दिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जिला सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान होगा कि आपने जब जिले का सिलेक्ट किया था तो सबसे टॉप पर किसको रखा था, उस जिले का सबसे पहले आप नाम लिख लेंगे, जस्ट लाइक आपने लिखा हुआ है नीमच। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीमच सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप नीमच सेलेक्ट करेंगे, नीमच में जितने भी स्कूल्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने स्कूल्स को प्रायोरिटी बेसिस पर अरेंज कर लीजिएगा। 24 तारीख का टाइम आपके पास है, 24 तारीख से पहले पहले आपको ये काम कंप्लीट करना है। ओके, तो इसको आप कर लीजिएगा। अभी मेरे इसमें ये अपडेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एक बार पहले ये दिखा चुका है, अभी फिर इसने यहाँ से हटा दिया है। ओके, तो ये आप करते रहिएगा, इसको आप एक बार से चेक कर लेना। इसके अलावा यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7708038 40 पर। ओके, सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।